हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत है सो इन टूडेज़ वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द हिपेटाइटिस सो हिपेटाइटिस डिसीज के बारे में हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं सो so आज के पार्ट टू वीडियो लेक्चर में हम रिमेनिंग टॉपिक स्टडी करेंगे ऑफ दिस हिपेटाइटिस डिज सो वी आर स्टडी अबाउट द कोजिज उसके टाइप्स सिमटम्स पैथोफिजियोलॉजी डायग्नोसिस ट्रीटमेंट वगैरह के बारे में हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं सो बी अपडेटेड विद द फार्मा नॉलेज फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स फार्मारॉक्स का जो स्टडी मटेरियल्स है वीडियो लेक्चर टेस्ट सीरीज वगैरह जो है वो आपको फार्मारॉक्स की मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर मिल जाएगी सो so अभी डाउनलोड करिए ऐप फार्मारॉक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले सो फार्मर ऑक्स का जो स्टडी मटेरियल है टेस्ट सीरीज़ है वीडियो लेक्चर वग़ैरह आपको फार्मरऑक्स की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर से मिल जाएगी सो टेस्ट सीरीज के अंदर अलग अलग आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे 365 टेस्ट इन 365 डेज प्राइस रहेगी सिर्फ ट्वेंटी पैसा पर डे मतलब कि आपको सिर्फ पे करना है वन ईयर का हंड्रेड रुपीज़ एम का सॉल्यूशन भी मिलेगा एक्सप्लेनेशन प्रॉपर रिजल्ट एनालिसिस सो दिस फैसिलिटी इज़ अवेलेबल ऑन अवर एप रॉक्स सो डाउनलोड करिए एप रॉक्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले सो स्वागत है आपका रॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में और आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं रिगार्डिंग द हिपेटाइटिस सो हिपेटाइटिस के बारे में ये हमारा आज का पार्ट टू वीडियो लेक्चर है एंड हिपेटाइटिस uh, के अंदर पार्ट वन में हमने सीखा था कि व्हाट इज़ हिपेटाइटिस तो हिपेटाइटिस के अंदर मेनली क्या होता है कि एक ऐसे मेडिकल कंडीशन है कि जिसके अंदर लीवर का क्या होता है इन्फ्लेमेशन होता है कि स्पेशली जो हमारा जो लीवर है उसका इन्फ्लेमेशन होता है प्लस लीवर का हम देख सकते हैं कि एनलार्जमेंट भी होता है तो यह है हमारी कंडीशन पार्ट वन में डिटेल में हमने सीखा था रिगार्डिंग हिपेटाइटिस सो so, उसके अंदर कैरेक्टराइजेशन में हमने देखा कि इन्फ्लामेशन होता है स्पेशली कि जो सेल रिस्पॉन्सिबल है कि जो हमारा ऑर्गन बनाते हैं टिश्यू बनाते हैं ऑफ लीवर कि वो स्पेशली यहाँ पे डैमेज होते हैं जिसके कारण जो है वो हिपेटाइटिस होता है डिटेल के लिए आप पार्ट वन वीडियो लेक्चर को जरूर से देखिए कि जिसके अंदर हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है रिगार्डिंग दिस हिपेटाइटिस सो so, ह्यूमन्स uh, के अंदर लीवर कहाँ पे है तो लीवर का जो फंक्शन है कि स्पेशली उसका डिटॉक्सिफाई करने का कम फंक्शन है कि जो अलग अलग हमारे बॉडी के अंदर इम्प्यूरिटीज़ uh, जो होती है प्लस टॉक्सिक सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं वो सभी को अच्छे से रिमूव करने का, का काम लीवर करता है प्लस मेटाबॉलिज्म का काम भी लीवर को दिया हुआ है कि जो जो भी हम फूड लेते हैं उसको अच्छे से डाइजेस्ट करवाना और जिसके कारण जो हमें एनर्जी मिलती है उससे हमारी बॉडी की अच्छी ग्रोथ होती है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा लीवर प्लस वो हार्मफुल सब्सटेंस को भी फिल्टर करता है एंड हमारे बॉडी को जो है वो हेल्दी रखता है बाय एलिमिनेटिंग सच हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड अस फ्रॉम द वेरियस डिस की जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है बट जब हमारा लीवर डैमेज होता है तो वो कंडीशन को हम कहते हैं हिपेटिक फाइलोर। सो हेपेटाइटिस के हमने टाइप डिस्कस किए थे कि पांच टाइप है हेपेटाइटिस के हिपेटाइटिस एपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस डी एंड हिपेटाइटिस ये टोटल पांच अलग अलग टाइप डिटेल में डिस्कस किए थे उसके बाद ये जो मोस्ट आईएमपी टेबल है उसको भी हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है ऑलरेडी इन पार्ट वन सो पार्ट वन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी तो पार्ट टू का हम हम मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि जिसके अंदर हमें स्टडी करना है रिगार्डिंग द ट्रांसमिशन कि हिपेटाइटिस का ट्रांसमिशन uh, कैसे होता है किस तरह से ये डिसीज जो है वो पर्सन टू पर्सन फैलता है तो सबसे पहले बात करते हैं हिपेटाइटिस ए की तो हेपेटाइटिस ए का जो ट्रांसमिशन है वो कैसे होता है किस तरह से ये डिसीज़ जो है वो फैलती है तो क्लोज़ कॉन्टैक्ट यहाँ पे खास है कि क्लोज़ पर्सनल कॉन्टैक्ट के कारण हेपेटाइटिस ए का फैलावा सबसे ज़्यादा होता है प्लस लिखा है कि कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर कि जब आप कोई कॉन्टामिनेटेड फूड लेते हैं वाटर लेते हैं तो उसके कारण हेपेटाइटिस ए जो है वो अलग अलग पर्सनस के अंदर फैल सकता है एंड ब्लड एक्सपोज़र वो बहुत ही रेयर है ब्रैकेट में लिखा हुआ है बट मेन उसके जो ट्रांसमिशन के जो फैक्ट है कि क्लोज पर्सनल कांटेक्ट कि ये है आपका पर्सन वन और ये है पर्सन टू दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं पर्सनल कांटेक्ट के अंदर कि जैसे आप उसके साथ हैंड शेकिंग करते हो हाथ मिलाते हो गले मिलते हैं है, बराबर तो उस तरह से पर्सनल कॉन्टैक्ट से जो है वो हो सकता है फिर कॉन्टामिनेटेड आपके पास ऐसा कोई फूड है कॉन्टामिनेटेड वाटर है उसको लेने से भी हिपेटाइटिस आपको हो सकता है तो यह है हिपेटाइटिस ए और उसका जो मेन रीज़न हिपेटाइटिस ए वायरस उसके बाद जो सेकंड है कि हिपेटाइटिस बी वायरस के कारण जो हिपेटाइटिस बी होता है हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण तो उसके अंदर क्या है कि मेनली फैलावा होता है पेरेंट्रली हेल्थ वर्कर्स आर इंक्रीज रिस्क पेरिनेटल मदर्स हु आर एच बी ई ए जी पॉजिटिव आर मच मोर लाइकली टू ट्रांसमिट टू देयर ऑफ स्प्रिंग देन दोज हु आर नाट मतलब कि जो, जो मदर्स को ऑलरेडी ये इसका इन्फेक्शन है हेपेटाइटिस बी वायरस का तो वो अपने ऑप्सरिंग्स मतलब कि जो मदर टू इट्स चाइल्ड हम कह सकते हैं कि मदर से उसके चाइल्ड या फिर उसके बेबी को भी ये डिसीज़ जो है वो उसके अंदर फैल सकता है तो ये था ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी नेक्स्ट है हेपेटाइटिस सी तो हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण ये जो डिसीज़ होती है हेपेटाइटिस सी तो उसका ट्रांसमिशन में आप देखें तो परक्यूटेनियस कि जिसके अंदर आईवी ड्रग्स के कारण फैल सकता है देन ट्रांसफ्यूजन ट्रांसप्लाज फ्रॉम इन्फेक्टेड डोनर के समझो कि जो कोई डोनर था वो ऑलरेडी एच एच से इन्फेक्टेड था तो वो डोनर का आप कोई भी ब्लड लेते हो कि जो ब्लड डोनेट करने वाला है या फिर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर ऑर्गन डोनेट करने वाला है तो किसी भी तरह से आप इन्फेक्टेड डोनर से ट्रांसप्लांट करवाते हैं कि चाहे आपने किडनी ट्रांसप्लांट करवाई है लीवर ट्रांसप्लांट करवाया है कोई भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन करवाया है या फिर आपने ब्लड वो डोनर से लिया है और वो डोनर इन्फेक्टेड था तो आपको भी वो डिसीज़ होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं थेरापटिक मतलब कि कॉन्टामिनेटेड इक्विपमेंट अनसेफ इंजेक्शन एंड प्रैक्टिस उसके बाद ऑक्यूपेशनल के अंदर लाइक निडल स्टिक फिर पर म्यूकोजल के अंदर पेरिनेटल, सेक्सुअल तो इस तरह से वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये डिसीज़ फैल सकती है एच सी वी तो स्पेशली यहाँ पे देखें तो एक ही चीज़ नज़र आती है हिपेटाइटिस सी वायरस के अंदर कि जब कोई इन्फेक्टेड चीज़ कि इन्फेक्टेड कोई भी सब्जेक्ट है उसके कांटेक्ट तो में आप आते हो समझो कि कोई इन्फेक्टेड डोनर था पर्सन था उसका आपने कोई ब्लड डोनेट किया उसने और उसका ब्लड किडनी या लिवर किसी पर्सन ने लिया तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा कोई सरफेस ऐसी इन्फेक्टेड थी तो उसके कांटेक्ट में आप आते हो तो आपको भी हिपेटाइटिस सी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके अलावा कॉन्टामिनेटेड यहाँ पे लिखा कि है कि इक्विपमेंट है इंजेक्शन इस तरह से दिया है अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस प्लस ऑक्यूपेशनल के नीडल के स्टिक है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आ आते हो कि जिसको ऑलरेडी हेपेटाइटिस सी वायरस था तो ऐसे अलग अलग फैक्टर्स है कि जो अफेक्ट करते हैं हेपेटाइटिस के अंदर फिर पर क्यूटेनियस इंजेक्शन ड्रग्स का यूज़ परम्यूक्यजल सेक्स कॉन्टैक्ट वो रहेगे हिपेटाइटिस डी के लिए तो ये है अलग अलग फैक्टर्स कि जिसके कारण जो है वो ट्रांसमिस हो सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन नेक्स्ट है अब हिपेटाइटिस ई हिपेटाइटिस ई में क्या है कि कंज़प्शन ऑफ फीकली कॉन्टामटेड ड्रिंकिंग वाटर हैज़ गिवन राइजेस टू एपिडेमिक केसेस की जब हम देखते हैं कि कई बार लोग खुले में जो शौच करते हैं उसके कारण क्या होता है कि जो पीने का जो पानी है वो भी क्या होता है कॉन्टामिनेटेड होता है कि खुले में शौच करने से कि जो हम बात करते हैं कि ओपन टॉयलेट्स की जो बात करते हैं तो ओपन टॉयलेट्स के कारण क्या होता है आसपास जो वाटर होता है वो भी क्या होता है कॉन्टामिनेटेड होता है और हिपेटाइटिस ई के अंदर मेनली जो है वो हिपेटाइटिस ई वायरस हिपेटाइटिस ई जो वायरस है वो जब सबसे ज़्यादा फैलता है थ्रू फीकल कि जिसको हम स्पेशली कह सकते हैं स्टूल बराबर कि जो हमारा फीकल डिस्चार्ज होता है जिसके अंदर ये वायरस प्रेजेंट होता है और वो वायरस क्या करेगा कि आसपास के एनवायरमेंट को कॉन्टामिनेटेड करेगा लाइक ड्रिंकिंग वाटर सबसे ज़्यादा जो है उससे प्रभावित हो सकता है उसके बाद इंजेक्शन ऑफ रो अनकोक्ड सेल्फिज हैज़ बीन द सोर्स ऑफ स्पोरेडिक केस इन एंडेमिक एरियाज अनकोक सेल्फिस बराबर इसको खाने से अनकोक सेल्फिस को खाने से जो है वो स्पोरेडिक केसेस के अंदर ये हो सकता है तो ये हमने देखे रिगार्डिंग वेरियस ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिस तो ट्रांसमिशन के बारे में इतना हमने जाना आगे अब सीखते हैं रिगार्डिंग द किस तरह से इसका डायग्नोसिस वगैरह होता है किस तरह से आगे ये डिसीज़ का डायग्नोसिस कैसे होता है हिपेटाइटिस का तो स्पेशली जो हिपेटाइटिस है उसके अंदर जो रिकमेंडेड किए जाते हैं अलग अलग ब्लड टेस्ट को जो है इसके अंदर जो है वो ख़ास रिकमेंडेड किया जाता तो है कि जैसे कि स्पेसिफिक लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट सच एज द फॉलोइंग कौन से कौन से हैं अलग अलग ब्लड टेस्ट लाइक लीवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है पर्सनस का कि लीवर अच्छे से काम कर रहा है, है या नहीं तो उसको लीवर फंक्शन टेस्ट कहा जाता है वो खास परफॉर्म किया जाता है सेल्यूलर ब्लड काउंट्स या फिर कंप्लीट ब्लड काउंट भी हम कह सकते हैं सी बी सी कई जगह कही जाती है पेशेंट की ब्लीडिंग टाइम कितना है वो उसका मेज़र किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के टेस्ट किए जाते हैं टेस्ट फॉर अदर केमिकल्स इन द बॉडी कि जैसे कि लीवर है सबसे पहले तो डाउट जाता है कि हिपेटाइटिस के अंदर सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो ऑर्गन है हमारा लीवर तो लीवर जो टॉक्सिक सब्सटेंस रिमूव करता है कि जैसे कुछ केमिकल्स के लाइक बिली रूबिन की हम जो बात करें तो बिली रूबिन जो है उसका लेवल जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता जाता है कि जब आपका लीवर अच्छे से काम नहीं करता तो ऐसे जो केमिकल्स है कि के लाइक बिली रूबिन उसका भी लेवल चेक किया जाएगा ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाएंगे उसके बाद अल्ट्रासाउंड ऑल्सो कॉल सोनोग्राफी एंड लीवर की बायोक्सीव की जाती है फॉर द डिटेल डायग्नोसिस ऑफ दिस डिस तो ये खास आपको याद रखना है कि बिलीरुबिन कैसे तैयार होता है तो हमने सीखा था जॉन्डिस के अंदर कि जब आर का ब्रेकडाउन होता है तो आर के ब्रेकडाउन होने के बाद ये बिलीरुबिन जो ये फॉर्म होता है ये बिली फर्दर कहाँ पे जाता है लीवर के अंदर और लीवर के अंदर उसका अच्छे से हो जाता है मेटाबॉलिज्म और बिली रूबिन एक टाइप का तो वेस्ट प्रोडक्ट ही है तो इस तरह से अलग अलग ये जो केमिकल्स है उसके लेवल चेक किए जाते हैं फिर ब्लड के अंदर भी आप ये सब टॉक्सिन्स टॉक्सिन्स जो है अलग अलग कि जो लीवर रिमूव करता है उनके लेवल इंक्रीज़ होगा तो जब आप किसी पर्सन का ब्लड टेस्ट कर लेते हो तो उससे कंफर्म पता चल जाता है हिपेटाइटिस के बारे में उसके बाद समझो कि आप अल्ट्रासाउंड मतलब कि जो सोनोग्राफी कहते हैं उससे आपको क्या पता चलेगा कि लीवर की साइज़ आपको पता चल जाएगी कि जब समझो कि उसका इन्फ्लेमेशन हुआ है तो इन्फ्लेमेशन कंडीशन के अंदर लीवर की साइज़ जो है वो इंक्रीज होगी तो अल्ट्रासाउंड करके या फिर आप सोनोग्राफी करके ये पता लगा सकते हो कि साइज़ एनरालमेंट हुई है नहीं उसके बाद बायोप्सी कि जो लीवर है वह उसके सैंपल लेकर बायोप्सी करके बायोप्सी टेस्ट से आपको पता चलेगा कि उसके जो लीवर सेल जो है वो इन्फेक्टेड हुए हैं या नहीं अब जानना ज़रूरी है कि हेपेटाइटिस को कैसे रोका जा सकता है किस तरह से आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं बिकॉज हम सबको पता है कि प्रिवेंसन इज़ बेटर देन क्योर कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि प्रिवेंसन इज़ बेटर देन क्योर कि जब आप अच्छे से डिसीज़ को प्रिवेंट ही करोगे तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा तो प्रिवेंसन के लिए अब हिपेटाइटिस ए वायरस के लिए हिपेटाइटिस ए जो वायरस है उसके लिए वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है कि जो वैक्सीनेशन से आप उसको जो है वो प्रिवेंट करवा सकते हैं फिर दूसरी कंडीशन की मेंटेनिंग ए गुड हाइजीनिक कंडीशन कि हमने ट्रांसमिशंस के अंदर देखा था कि कॉन्टामिनेटेड फूड है वाटर है बॉडी के फ्लूड डिस्चार्ज वगैरह है सभी के कारण हिपेटाइटिस ए वायरस जो है वो फैल सकता है तो समझो कि पर्सन टू पर्सन प्रॉपर हाइजीनिसिटी हाइजीनिक कंडीशन समझो कि आप अच्छे से मेंटेन करते हो तो ये प्रॉब्लम होने के कोई चांसेस ही नहीं है तो सबसे ज़रूरी बात है ये मेंटेन गुड हाइजीनिक कंडीशन और ये वैक्सीनेशन। कि हिपेटाइटिस की जो वैक्सीन आती है वो चिल्ड्रंस को दी जाती है कि जब उनका बर्थ होता है उस वक्त जो वैक्सीनेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू हीपेटाइटिस की वैक्सीन भी जो है वो दे दी जाती है तो वैक्सीनेशन से आप प्रिवेंट कर सकते हो हेपेटाइटिस को कि उसके बाद है हेपेटाइटिस बी के अंदर भी ये है प्रिवेंशन का स्टेप एक सबसे पहले तो वैक्सीनेशन उसके बाद जो उसके कॉजेज़ थे हेपेटाइटिस बी फैलने के जो मेन रीज़न थे ट्रांसमिशन वही यहाँ पे प्रिवेंशन के स्टेप बनेंगे कि नेवर शेयर ड्रग इक्विपमेंट्स लाइक नीडल एंड सीरिज इसलिए कहा जाता है कि एक बार जब यूज़ करो तो यूज़ एंड थ्रो यूज़ करो और उसको फेंक दो सो यूज़ एंड थ्रू का जो मेन कॉन्सेप्ट हम चलाते हैं स्पेशली फॉर नीडल्स कि एक बार आप यूज़ करो एंड देन उसको डायरेक्टली डस्टबिन के अंदर जो है डिस्कार्ड करिए तो यह है सबसे मेन प्रिवेंशन uh, का एक स्टेप uh, आपके लिए वैक्सीनेशन के बाद ये तो प्राइम जरूरी है दिस इज़ द प्राइम प्रिवेंशन स्टेप बट उसके बाद हम देखें तो नेवर सेयर ड्रग इक्विपमेंट्स लाइक नीडल एंड सीरेंजेस उसको कभी भी शेर नहीं करना चाहिए एक बार यूज करो उसके बाद उसको फेंक दो नेवर सेयर टूथब्रशिज रेजर्स और एनी पर्सनल हाइजीन आर्टिकल्स दैट हैव ब्लड ऑन देम इवन टाइनी अमाउंट्स इसलिए जब आप जब किसी भी शॉप पर जाते हो ब्यूटी पार्लर में जाते हो या फिर हेयर कटिंग सलून के अंदर जाते हो तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि जो रेज़र्स होते हैं वो कभी भी शेयर ना करिए प्लस जो ग्रुप में कई बार कोई रहते हो तभी भी रेज़र जो है वो कभी भी एक दूसरे के शेयर नहीं करने चाहिए प्लस इवन ऑल्सो अबाउट द टूथ ब्रशिज तो जितना आप खुद अपनी हाइजीनिसिटी मेंटेन करोगे उससे उससे आप ये डिसीज से बच सकते हैं तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऑलवेज मेक्स श्योर अ न्यू स्टरिलाइज इक्विपमेंट इज़ बींग यूज फॉर टैटूइंग एंड पेरसिंग कि अभी uh, जो यंगस्टर्स के अंदर ये काफ़ी टेंड होता है टैटू बनाने का तो समझो कि पर्सन ए के पास कोई आया टैटू बनवाने के लिए और वो जो पर्सन था वो हिपेटाइसिस से इन्फेक्टेड पर्सन था तो उसको टैटू बनाने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ हुआ वो भी क्या हो जाएगा इन्फेक्टेड हो जाएगा अब समझो कि वही इक्विपमेंट से पर्सन बी को भी टैटू कर आ, लगाया जाता है तो क्या होगा कि पर्सन बी के अंदर भी हिपेटाइटिस बी के जो वायरस है वो ऐड हो जाएंगे कि जिसके कारण फिर जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा उसके बाद पर्सन बी भी इन्फेक्टेड होगा अगर समझो कि उसकी इम्यूनिटी अच्छी है तो उसको सिम्टम्स शायद उसके अंदर इतने डेवलप ना भी हो या फिर वो ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाए बट इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो तुरंत उसके अंदर हिपेटाइटिस बी वायरस जो है वो ज़्यादा फैल सकता है और डिसीज का कंडीशन ले सकता है उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि मेक्स योर इंक फॉर टेटोंग इज़ नॉट बींग से और, ना ही इंक ना ही कोई इक्विपमेंट शेयर नहीं करने हैं फॉर टैटू ऑलवेज़ सेर न्यू स्टरिलइज़ इक्विपमेंट और ये आप ख़ास ध्यान रखें कि आपको समझो कि कभी आदत है टैटूज़ वगैरह बनवाने की तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए इवन आप कहीं शॉप पे जाते हो सेविंग करवाने के लिए या फिर हेयर कटिंग करने के लिए जाते हो तो वहाँ पे भी ध्यान रखिए कि जो इक्विपमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं वो प्रॉपर स्टरिलइज़ या फिर अच्छे से न्यू यूज़ कर रहे हैं या नहीं इवन जब आप ग्रुप में रहते हो तो टूथब्रश कभी भी शेयर ना करिए हॉस्टेल्स वग़ैरह है ग्रुप स्टडीज़ है या फिर किसी भी तरह से जॉइंट फैमिली में रहते हो तो भी ये सब हाइजीनिक सिटी मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है फिर है हेपेटाइटिस सी के बारे में प्रिवेंशन कि नो एनी वैक्सीन अवेलेबल टिल डेट तो ए और बी के लिए तो वैक्सीन है पर सी के लिए नो एनी वैक्सीन सो करंट रिकमेंडेज फॉर प्रिवेंशन ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस इंक्लूड द यूनिवर्सल प्रिकॉशंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लड बोर्न इन्फेक्शन एंड एंटी एच सी वी स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड ऑर्गन एंड टी सू डर वैक्सीन नहीं है तो ये तो आपके पास से ऑप्शन अब निकल चुका है प्रिवेंसन का तो अब आप क्या करोगे तो आपके पास अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है प्रिवेंसन के लिए जो प्रिकॉशंस की जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस है उसको जो है वह आप अच्छे से फॉलो करेंगे जिसके अंदर आप जितनी भी हाइजीनिसिटी मेंटेन करोगे तो उतना अच्छा रहेगा क्लोज कॉन्टैक्ट पर्सन से आप जितना है भी दूर रहे मतलब कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो हम बात करते हैं उस तरह से भी आप हेपेटाइटिस सी को जो है वो प्रिवेंट कर सकते कि फ़ॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लड बॉन इन्फेक्शन एंड एंटी एच सी वी स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड ऑर्गन एंड एंटी टी एंड टी डोनर प्रोग्राम देट फोकस ऑन रिड्यूसिंग एच आई वी ट्रांसमिशन आर ऑल्सो लाइकली टू डिक्रीज द ट्रांसमिशन ऑफ हिपेटाइटिस सी वायरस इन हाई रिस्क ग्रुप कि जैसे एच आई वी फैल जाता है कि हमने ट्रांसमिशंस के अंदर देखा एच सी वी के अंदर कि जैसे एच आई वी फैलता है ऐसे ही एच सी वी भी फैल सकता है तो जैसे जो प्रिकॉशंस हम एच के अंदर लेते हैं वही प्रिकॉशन्स आप एच के अंदर भी लोगे तो उसका प्रिवेंशन जो है वह आप अटका सकते हैं हेपेटाइटिस डी के अंदर भी सेम हालत है कि देर इज़ नो वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस डी बट इट कैन बी प्रिवेंटेड इन पर्सन्स हु आर नॉट ऑलरेडी एच वी वी इन्फेक्टेड बाई गिविंग ए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बिकॉज इसके रिस्क में हमने देखा था कि जो पर्सनस को हेपेटाइटिस बी वायरस होता है उनको चांसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं हेपेटाइटिस डी होने के बराबर कि जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है एच से उसको एच होने का चांसेस बहुत ही इंक्रीज़ हो जाते हैं तो समझो कि किसी को एच है तो एच की तो वैक्सीन अवेलेबल है तो आप हिपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीन देके वो पर्सन को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं उसके बाद हिपेटाइटिस ई का हम देखें तो द ओनली वे टू प्रिवेंट द डिसीज इज़ टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू द वायरस की रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एक्सप्लोर मीन्स एवॉइडिंग द टैप वाटर वैन ट्रैवलिंग इंटरनली इंटरनेशनली एंड प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन कि जो सैनिटाइजेशन की जो हम बात करते हैं सैनिटेशन की बात करते हैं तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस टाइप के जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं कि जो ये सब डिसीज़ जो है वो एक टाइप के वायरस से फैलती है तो जितना आप अपनी खुद की हाइजेनिसिटी मेंटेन करोगे खुद को जितना सैनिटाइज रखोगे तो इससे ये डिसीज़ से आप बच सकते हैं अवॉयड ड्रिंकिंग वाटर एंड बेवरेजि विथ आइस ऑफ़ अन नॉन प्योरिटी एंड अनकोक्ड फ्रूट वेजिटेबल्स की जो हमने देखा कि ट्रांसमिशन के अंदर स्पेशली कॉन्टेमिनेटेड फूड प्लस वाटर के कारण ये सबसे ज़्यादा फैलता है तो इसी को अवॉइड करने का कह रहे हैं ये प्रिवेंशन के स्टेप्स के अंदर सो प्रिवेंशन ऑफ द हेपेटाइटिस इफ़ यू यूज ओवर द काउंटर मेडिकेशंस कंटेनिंग द एसिटामिनोफेन एसिटामिनोफिन मतलब कि टाइले टाइलिनोल और दूसरी जो उसका जो फेमस नाम है कि जो सभी को पता होगा वो है पैरासीटामॉल तो शॉर्ट में कई बार हम उसको पी सी एम भी कहते हैं पैरासिटामॉल तो इफ़ यू यूज़ ओवर द काउंटर मेडिकेशंस कंटेनिंग एसिटामिनोफेन नेवर यूज़ मोर देन द रिकमंडेड डोज मतलब कि एवॉइड ओवर डोज कि उसका ओवर डोज जो है वो आपको हमेशा एवॉइड करना है इसके अंदर बिकॉज ये भी एक आपका रिस्क फैक्टर है कि जिसके कारण हिपेटाइटिस हो सकता है कि ये मेडिसिन है पैरासीटामॉल तो एक्सेसिव डोज समझो कि है उसका तो एक्सेसिव डोज मे कोज हिपेटिक फाइलोर कैक्सेसिस डोज के कारण हिपेटिक फाइलोर जो है वो हो सकता है ड्यू टू दिस पैरासिटामॉल तो ये आपको एक खास अच्छे से ध्यान रखना है कि पैरासीटामॉल का ओवर द काउंटर तो आपको ईजिली मिल जाती है बिकॉज इट इज ए ओटीसी ड्रग तो ओवर द काउंटर ईजीली मिल जाएगी बट उसका जो यूज करना है मेक सेफ यूज मेक सेफ यूज़ की जो इतना उसका रिकमेंडेड डोज है उतना ही उसको यूज़ करिए तो मेक द सेफ यूज़ एवॉइड ओवर डोज बिकॉज एक्सेसिव डोज मेकोज हिपेटिक फेलोर ऑफ़ दिस पैरासीटामॉल की जिसको हम एसिटामिनोफिन भी कहते हैं इफ़ यू ड्रिंक हैवीली और रेगुलरली यू शुड एवॉड दिस मेडिकेशंस और डिसकस सेफ डोस विथ योअर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ये काफ़ी है कि अल्कोहल कन्जपसन्स आप करते हो रेगुलरली तो जब अल्कोहल कन्ज्पस होगा प्लस आपके ये मेडिसिंस तो दोनों एक टाइप के कोजेस है कि अल्कोहल भी एक्सेसिव ले रहे हैं पीसीएम भी एक्सेसिव ले रहे तो डायरेक्टली आप इनवाइट कर रहे हो हीपेटाइटिस को कि जब आप अल्कोहल का भी आपका कोई आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है एक्सेसिव अल्कोहल ले रहे हैं और साथ में बिना किसी रोक टोक के आप पी भी एक्सेसिव अमाउंट में ले रहे हैं तो उस कंडीशन में डायरेक्टली आपने इनविटेशन दे दिया है हेपेटाइटिस को तो इसको आपको अवॉइड करना चाहिए देन इफ़ यू हैव a liver disease इट इज़ वेरी important टू टेल योर डॉक्टर अबाउट ऑल द medicines यू टेक यू शुड अवॉइड द medications लाइक like acetaminophen फेन एन फिनेट की जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है एक्सेसिव डोज़ की लॉन्ग टाइम लेने के कारण हिपेटिक टॉक्सिसिटी वो जो है वो कोस कर सकते हैं कि ऐसी टाइमिनोफेन फिनेट ऐसी ऐसी मेडिसिन है कि, एसी, एसी कि जो लॉन्ग टाइम तक आप लेते हैं लॉन्ग टाइम तक लेते हैं प्लस बिना किसी रुकावट के बिना किसी रोक टोक के आप उसका एक्सेसिव डोज़ लेने लगे हैं तो आगे जाके वो आपके लिए खतरा बन सकती है एज अ हेपेटिक टॉक्सिसिटी तो ये आप मेडिस ध्यान रखें हो सके तो ये वीडियोस को शेयर करिए आपके फ्रेंड्स के साथ के जिससे उनको भी इसके बारे में पता चले अब हमें जानना है हेपेटाइटिस के जो रीज़न की जो कहा जाता है उसके पैथोफिजियोलॉजी कि कैसे होता है और इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है डिसज़ के अंदर तो कॉमन पैथोफिजियोलॉजी इन्वॉल्व इन हीपेटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर ड्यू टू दैरियस कोजिज़ ऑफ इट एज वी हैव डिस्कस बिफोर की उसके जो अलग अलग कोजेज है तो सबसे पहले तो हमें कोजेस में पता है कि आ, उसके जो कोजेज हम देखें तो सबसे पहले हम बात कर सकते कि जो वायरस के कारण हो सकते हैं वायरस के अंदर हेपेटाइटिस ए वायरस बी सी डी एन ई हिपेटाइटिस के ये वायरसेस उसके बाद दूसरा जो रीज़न है वो है ऑटो इम्यून सिस्टम ऑटो इम्यून सिस्टम का डैमेज होना कि जिसके कारण अपने ही लीवर को वो एंटीजन समझ के उसका डैमेज कर दी है अल्कोहल ये बहुत बड़ा आपके लिए कोजे एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल लेना फिर ड्रग्स कि जो नशे करने के लिए आप एक्सेसिव ड्रग्स लेते हैं कि जो भी एक आगे जाके हिपेटिक फेलोर का कारण बनती है और ये मेडिसिनस का ओवरडोज कि बिना कुछ सोचे आप एक्सेसिव अमाउंट में मेडिसिन ले रहे हैं तो ये सभी मेडिसिन डायरेक्टली अफेक्ट करेगी आपके लीवर के सेल्स को तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर भी यही होता है कि जो लीवर के सेल्स होते हैं वो डैमेज होते जाते हैं कि उनकी जो कैपेसिटी होती है उतना तो वो टॉलरेट करते हैं बट जब आप कैपेसिटी के बाहर कि समझो कि उसकी कैपेसिटी के बाहर आप एक्सेसिव अल्कोहल ले रहे हैं तो वो आप टॉलरेट नहीं कर पाएगा ड्रग्स की जितनी कैपेसिटी है उतना वो मेटाबोलाइज करके आपको दे रहा है बट उसकी भी कुछ कैपेसिटी है उससे आप एक्सेसिव करवाते हो तो धीरे धीरे लीवर के सेल डैमेज होते जाएंगे ऐसे ही मेडिसिन के ओवरडोज के कारण फिर कोई भी कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या फिर कोई दूसरी कोई डिसीज़ का प्रेजेंस होना कि जो लीवर को अफेक्ट कर सकती है साथों साथ आपकी इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है तो उसके कारण ऑटो इम्यून सिस्टम रिलेटेड ऑटो इम्यून हेपेटिक फैल हो सकता है एंड कि जो वायरस के से आप समझो कि इन्फेक्टेड होते हैं कि समझो कि आप अच्छे से प्रिकॉशंस नहीं रखते हाइजीनिसिटी आपकी अच्छे से मेंटेन नहीं करते और हेपेटाइटिस के ये पांच में से कोई भी एक वायरस से आप इन्फेक्टेड हो गए हैं तो उसी कंडीशन में जो है वो आपका लीवर फैलर या फिर हिपेटिक फैल हो सकता है और जो कंडीशन फिर आगे जाके बनती है उसको हम कहते हैं पेटाइटिस तो यही एक इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे मेन होता क्या है तो ये जो अलग अलग कोज़े जो मैंने अभी आपको समझाए ये सभी कोज़ेस क्या करेंगे आपका जो ये लीवर है उसको डैमेज करेंगे तो लीवर डैमेज में होता क्या है कि लीवर का डैमेज के अंदर मेनली इन्वॉल्व होते हैं लीवर के सेल ये जो लीवर के सेल्स होते हैं तो ये सेल्स डैमेज होते हैं और जब सेल डैमेज हो जाते हैं तो धीरे धीरे वो टिश्यू भी डैमेज होती है और टिश्यू डैमेज होगी बहुत सारी तो उसके रिलेटेड हमारा ऑर्गन भी डैमेज होगा तो ये है मेन उसका पाथवे ऑफ हेपेटाइटिस द डिफरेंट कॉजिज एट लास्ट इन्फेक्ट द लीवर एंड डैमेज इट रिजल्टिंग चेंजिंग इन लीवर फंक्शन लीवर कैन नॉट वर्क प्रॉपरली एंड डिस कंडीशन फॉर्म इज कॉल्ड ए हिपेटाइटिस अब जब लीवर अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएगा तो उसके कारण जो डिसीज फॉर्म होगी उसको हम कहेंगे हेपेटाइटिस पैथोफिजियोलॉजी में एक और है कि ड्रग इंड्यूज हेपेटाइटिस इन्वॉल्वस इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर कोज बाय मेडिकेशन ड्रग इंड्यूज हेपेटाइटिस इज सिमिलर टू द एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस बट पैरेंकाइमल डिस्ट्रक्शन टेंस टू बी मोर एक्सटेंसिव इन दिस केस कि जो काइमल डिस्ट्रक्शंस होता है सेल्स का आ, बी टेंस टू तो बी मोर एक्सटेंसिव तो ये है ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस पेन किलर्स की कि जो मैंने पार्ट वन में भी आपको बात की थी पेन किलर्स एंड फीवर रिड्यूसर्स दैट कंटेन एसिटामिनोफेन आर कॉमन कोज़ ऑफ लीवर इन्फ्लेमेशन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स सचेज आईबी प्रूफ एन नेप्रोक्सैन मे ऑल्सो कोस ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस की जब मैंने बात की कि बिना किसी रोक टोक के आप जितनी चाहे मेडिसिनस खा रहे हैं बराबर कि दिन में आपको थ्री टाइम्स ही लेनी है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपके बॉडी को सूट करती है टू टाइम्स अ डे बट आप एक्सेसिव मेडिसिन का डोज लेते हो कि टू या थ्री के बजाय आप फाइव टाइम्स लेते हैं या फिर सिक्स टाइम ले लेते हैं या फिर थेरापी कंप्लीट होने के बाद भी उसका चालू रखते हो सेवन तो उसके कारण हेपेटाइटिस जो है वो आपको हो सकता है तो ये ख़ास आप याद रखो ये वाला टेबल ड्रग दैट इंड्यूस द हेपेटाइटिस के जो एक्यूट हेपेटाइटिस है जिसके अंदर एसिटामिनोफेन उसके बाद फिनेटॉइन एस्पिरिन आइसोनीजिड डाइक्लोफेनेक एमोक्सीसिलिन एंड क्लेवोलिनिक एसिड तो एक्यूट हेपेटाइटिस के लिए ये मेडिसिन फर्स्ट एसिटामिनोफेन की जो पैरासीटामल है फिनेटोइन, एस्पिरिन uh, है आइसोनीजिड है डाइक्लोफेनिक एंड एमोक्सिसिलिन एंड क्लेवोलिनिक एसिड क्रोनिक क्रोनिकपेटाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल मेडिसिन से वो है मीनोक्साइक्लिन है नाइट्रोफेरेटॉइन है फिनेटोइन है Uh, प्रोफाइल थायो फिनोफाइब्रेट एंड मिथाइल एम्फेटामाइन तो ये मेडिसिंस आपके लिए मोस्ट आई ये वाला जो टेबल है कि ये खास आपको याद रखना है कि जो कोर्स करती है ड्रग इंड्यूज हिपेटाइटिस सो so, एम के लिए आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग इंड्यूस हिपेटाइटिस तो ये मेडिसिन आपको अच्छे से याद रखनी है तो जितना हो सके इतना रेगुलरली जब समझो कि आप इसका रिविज़न करोगे तो अच्छे से जो है वो ये आप याद रख सकते हैं अब बात है लास्ट में अच्छे से ट्रीटमेंट की कि आप ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो डिसीज़ को कैसे मैनेज करोगे तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर ड्रग इंड्यूस हिपेटाइटिस विल बी डिटरमाइंड बाई योर डॉक्टर बेज ऑन योर एज आपकी एज कितनी है ओवरऑल हेल्थ कंडीशन एंड मेडिकल हिस्ट्री कि एज पर डिपेंड करेगा कि एज कम है इम्यूनिटी अच्छी है तो डिसीज जो है वो क्योर हो सकती है जल्दी से ओवरऑल आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है कि एज पे ना जाए बट कई बार कम एज के पेशेंट भी काफ़ी वीक होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है तो डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन तो सभी चीज़ को अच्छे से देखा जाता है कि एज फैक्टर भी अच्छे से सेट देखा जाता है ओवरऑल हेल्थ कंडीशन कैसी है पेशेंट की वो भी एक बार चेक कर लेते हैं और पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को अच्छे से चेक किया जाता है फिर एक्सटेंट ऑफ द डिस डिसीज़ का कितना एक्सटेंट है कितना रेट से वो डिसीज़ इंक्रीज हो रही है कि कितनी तक कितने लेवल तक ये डिसीज़ फैला हुआ है वो देखा जाता है योर टॉलरेंस फॉर स्पेसिफिक मेडिकेशन की जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी ट्रीट करने के लिए उसके प्रति आपका टॉलरेंस लेवल देखा जाएगा प्रोसीजर्स और थेरापी को आप कैसे टॉलरेट कर सकते हैं एक्सपेक्टेशन फॉर द कोर्स ऑफ द डिसज एक्सपेक्टेशन फॉर कोर्स मतलब कि कितने महीनों का कोर्स करेंगे आप वन मंथ का कोर्स चलेगा आपके लिए टू मंथ का चलेगा तो उस पर डिपेंड करता है आपका माइंड सेट भी कि आपका ये जो टॉलरेंस लेवल ये जो कोर्स है वो आप पूरा अच्छे से कंप्लीट करते हैं या नहीं स्पेसिफिक मेडिकेशंस को अच्छे से फॉलो करते हैं नहीं प्रोसीजर्स उसकी फॉलो करते हैं नहीं या फिर उसकी थेरापी तो ये सभी चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखने के बाद ट्रीटमेंट शुरू की जाती है सो सेवरल एंटीवायरल मेडिकेशंस इंक्लूडिंग एंटेकाविर कि जिसका ब्रांड नेम है बाराक्लूड उसके बाद टेनोफोविर विरेड लेडिन ड्रग है एडेफोविर है टेलबीवुडिन सो so, ये जो एंटीवायरल मेडिकेशंस कि एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स बराबर उसको कहा जाता है एंटी रेट्रोवायरल uh, या फिर एंटी वायरल की जो यूज़ की जाती है स्पेशली टू क्योर वेरियस वायरल इन्फेक्शन की जिसके अंदर हेपेटाइटिस के अंदर एंटेकआविर है टेनोफोविर है लेमीवुडिन है एडेफोविर है एंड टेलबीविन तो ये सब मेडिसिनस को आप पेशेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं कैन हेल्प एंड फाइट द वायरस एंड स्लो इट्स एबिलिटी टू डैमेज योर लीवर दिस ड्रग्स आर टेकन बाय माउथ की ये मेडिसिन आप ओरली पेशेंट को देकर हेपेटाइटिस की जो है वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो ये थी कि जब वायरस से ये हुआ है अल्कोहल कंज़प्शन से समझो हुआ है हेपेटिक फाइलर वगैरह तो उस वक्त उस तरह से लीवर को क्योर करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन जो है उससे भी उसको ट्राई किया जाता है ट्रीट करने का एंड पेशेंट को अच्छे से रिहेबिलिटेशन नी जाती है टू ट्रीट हेपेटाइटिस अब जानते हैं डिसज का मैनेजमेंट ऑफ हेपेटाइटिस कि देर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस अदर देन डिसकंटिन्यूइंग द मेडिकेशन दैट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम कि कई बार ऐसा था कि ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस होता है कि समझो कि वायरस से हुआ था तो आप एंटीवायरल दे सकते हो बट समझो कि ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस है तो उस वक्त एक ही ऑप्शन रखता है कि डिसकन्टीन्यू द मेडिकेशन की जो भी मेडिकेशन की थेरापी चल रही है उसको स्टॉप कर लो कि कि एक्सेसिव फीवर के कारण आप पी बार बार ले रहे हैं तो स्टॉप यूज़ पी कि पैरासीटामोल को यूज़ करना आप कुछ समय के लिए बंद कर दो तो उससे फिर से आप रिवर्स जा सकते हैं कि जो हेपेटाइटिस में से नॉन हिपेटाइटिस कंडीशन के अंदर जा सकते हैं फिर पीपल विथ एक्यूट हेपेटाइटिस शुड अवॉइड फिजिकल एक्सटर्सन अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए पैरासीटामल एंड एनी अदर हिपेटोटॉक्सिक सब्सटेंस की जो स्पेशली लीवर uh, के लिए टॉक्सिक है जिसको हम कहते हैं हिपेटोटॉक्सिक उसको एवॉइड ही करो ये कंप्लीटली एवॉड करो जिसको हम कह सकते कि स्टॉप ऑल्सो द पैरासिटामॉल अल्कोहल एक्सर्सन एंड अदर हिपेटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस। अनफॉर्चुनेटली अदर देन द यूज ऑफ एन एसिडेल सिस्टीन फॉर पैरासिटामॉल हिपेटोटॉक्सिसिटी देर इज नो एनी स्पेसिफिक कैंडिडेट फॉर ड्रग इंड्यूस लिवर डिसीज ये पॉइंट आप समझो कि आपने जब देखा कि पैरासिटामॉल हिपेटोटॉक्सीिटी कि अनफॉर्चुनेटली अदर देन द यूज़ ऑफ़ एन एसिडाइल सिस्टीन फॉर पैरासीटेमल हिपेटोटॉक्सीटी देर आर नो स्पेसिफिक कैंडिडोट फॉर ड्रग इंड्यूस लीवर थेरापी कि जब आपको पैरासिटेमल की टॉक्सिसिटी होती है तो उसके लिए ये एंटीडोट आप प्रिफर करते हो एनएसिटाइल सिस्टीन बट ड्रग इंड्यूज लीवर डिसीज़ के लिए आपके पास नो no एंटीडोट कोई एंटीडोट आपके पास नहीं है कि वो देने से आपका लीवर फिर से हेल्दी हो जाए तो एक ही ध्यान रखना है उसको कंप्लीटली अवॉइड करना है और अभी से समझो कि, कि किसी को आदत है एक्सेसिव इस टाइप के मेडिकेशंस लेने का तो अभी से आप उसको लेने का स्टॉप करिए या फिर कंट्रोल में यूज़ करिए जिससे आप इससे बच सकते हैं देन सपोर्टिव केयर फॉर एक्यूटिक लीवर फेलूर एंड इवन लीवर ट्रांसप्लांटेशन में भी रिक्वायर कि अब समझो कि कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है तो सपोर्टिव केयर कि पेशेंट को सपोर्टिव केयर की जो हम बात करते हैं आईसीयू यूनिट की जो बात करते हैं प्लस एक और ऑप्शन है आपके पास लीवर ट्रांसप्लांटेशन की समझो कि कोई पर्सन जो आपको लीवर डोनेट करता है बराबर जैसे किडनी डोनेट्स करते हैं आइज डोनेट करते हैं वैसे समझो कि कोई लीवर डोनेट करने वाला आपको मिल जाता है तो लीवर ट्रांसप्लांटेशन से ही आप लास्ट में टीसीस को मैनेज कर सकते हैं यू शुड रेस्ट ड्यूरिंग द एक्यूट फेज ऑफ ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस कि ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस है तो आप भाग दौड़ करना बंद कर दीजिए अच्छे से घर पे रहिए एंड रेस्ट करिए वैन द सिम्टम्स आर मोस्ट सीवियर कि जब आपके सिम्टम्स काफ़ी सीवियर हो जाते हैं तो घर पर ही रहिए अच्छे से आराम करिए रेस्ट करिए एंड जो भी उसके कॉजेज़ है ड्रग्स उनको लेना बंद कर दीजिए इफ़ यू हैव ए मोर सीवियर नोज एंड वॉमिटिंग यू मे नीड टू गेट फ्लूड थ्रू ए वेन कि समझो कि आप ओरली आप लेते हैं तो ओरली लेने से प्रॉब्लम हो रही है आपको नोज़िया एंड वॉमिटिंग के प्रॉब्लम हो रहे हैं तो वो केस के अंदर आप वेन से मतलब कि इंट्रावेनसली के जो ग्लूकोज के बॉटल चढ़ाए जाते हैं फिर पेशेंट को तो उस तरह से उसको आप एनर्जी दे सकते हैं ड्यूरिंग दिस सपोर्टिव केयर तो इस तरह से हेपेटाइटिस का मैनेजमेंट होता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मस्ट शेयर अवर लेक्चर्स विथ योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली इस तरह के जो अवेयरनेस वाले लेक्चर्स होते हैं रिगार्डिंग वेरियस डिसीज लाइक हिपेटाइटिस के बारे में सीखा कैंसर जॉन्डिस बेप्टल्सर इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ तो सभी के लेक्चर्स आप शेयर करिए व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारे ज्वाइन करिए बैट सेंड योर नेम सिटी नेम एंड व्हाट्सएप इट टू नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो थ्री सिक्स सब्सक्राइब चैनल एम प्रेस ऑन द बेल आइकॉन ऑल्सो यूज अवर ऑफ फार्मारॉक्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले कि जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी वीडियो लेक्चर एंड स्टडी मटेरियल वगैरह के ऑप्शन आपको मोबाइल एप्लीकेशन ऊपर मिल जाएंगे सो टिल देन गुड लक एंड ऑल द बेस्ट